हाय एवरीवन, आई एम ज़रक शाहज़ेब और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल ज़रक क्रिएशन। फ्रेंड, आज मैं आप लोग कुछ इस टाइप का ग्लास फॉर्म बनाना सिखाऊंगा। वीडियो कंप्लीट वॉच कीजिएगा। तो बाकी यार, इस तरह की मैंने एक वीडियोज़ अपलोड की थी तकरीबन 30 अगस्त 2022 को, आज है 30 जुलाई, तो ये वाली मैंने अपलोड की थी। मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा देता हूँ रोज़ी नेम वाली। तो अब यार, इस तरह की मैं वीडियोज़ नहीं बनाता यार। एक ये फ्रेंड थी तो उसने कहा कि आप इस तरह की वीडियोज़ बनाए, तो ये मैं रिक्वेस्ट डिमांड पर वीडियोज़ बना रहा हूँ। चलिए आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने पिक्सलैब ऐप को ओपन करना है, न्यू टेक्स्ट यहाँ से हटा देना है और यहाँ पर आप लोगों ने कोई भी नेम टाइप कर देना है। तो यहाँ पर एक फ्रेंड ने कहा था कि भाई मेरा नेम, तो यहाँ पर एक फ्रेंड ने कहा था कि मेरा नेम टाइप करना है, तो यहाँ पर मैं यही नेम टाइप करूँगा, जैनम। आप लोगों ने ओके कर देना है और ए बी वाले ऑप्शन में आ जाना है। माई फॉन्ट में आकर आप लोगों ने फॉन्ट यूज़ कर लेना है। तो अगर ये सारी वीडियोज़ आप देख कर जाओगे तो आप बहुत अच्छी एडिटिंग कर लोगे। मैं इस वीडियो में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, बहुत ऐसा स्लो बोल के समझाऊंगा, ठीक है। कोई मैं तेज़ नहीं बोलूँगा, बिल्कुल ऐसा बोलूँगा ताकि आप लोगों को आसानी के साथ समझ आ सके। फिर आप लोगों ने स्पेसिंग में आना और 5 पॉइंट तक स्पेस देनी है। अब आप लोगों ने आना है यहाँ पर मिडल में और इंपोर्ट करना है एक PNG, जो कि मैं जल्दी जल्दी में ऐड कर लूँ। ये फ्रेंड, ये वाला PNG मैंने ले लिया। बाकी यार 11 मंथ हो गए साल होने के, वो वीडियोस मैंने अपलोड की थी रोज़ी नेम वाली, ठीक है। अगर वो आप देखना चाहें तो लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। लेकिन ये मैं रिक्वेस्टेड वीडियोज़ बना रहा हूँ, वरना मैं उस तरह की अब वीडियोज़ नहीं बनाता, ठीक है। मैं थोड़ी डिफरेंट बनाता हूँ, अलहदा बनाता हूँ, ठीक है। इतना होने के बाद आप लोगों ने शेप में आना है, इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कर देना है, कार्ड में आना है, सेव एज इमेज पे क्लिक करके आप लोगों ने इसको अल्ट्रा क्वालिटी मिलाकर सेव कर देना है। फ्रेंड, अब आप लोगों ने आना है PS टच ऐप में। अब मैं PS टच में आ चुका हूँ, प्लस पे क्लिक करनी है, फोटो लाइब्रेरी भी आप लोगों ने आना है और यहाँ पर वो फोल्डर ढूंढना है जिसमें आप लोगों की पिक पड़ी है। तो यहाँ पर पिक 60 वाले फोल्डर में मेरी पिक पड़ी, तो यहाँ पर मैं पिक ऐड कर दूंगा। फिर आप लोगों ने करना क्या, प्लस पे आना है, फोटो लेयर में आ जाना है। तो आप लोगों ने वीडियो ध्यान से देखनी है, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को इस वीडियो में समझाऊंगा। अगर ये वीडियो आप सारी देख कर जाओगे तो आप लोग बहुत ही प्रोफेशनल एडिटर बन जाओगे, तो आप भाई प्रोफेशनल एडिटर बन जाओगे। इतना होने के बाद आप लोगों ने इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। आप लोगों ने इसकी 2 डुप्लीकेट कॉपी कर लेनी, फर्स्ट वाली को सिलेक्ट करना है, 2 लाइंस पे आना है, एडजस्टमेंट में रहकर इसको इन्वर्ट कर देना है, तो ये नेम ब्लैक हो जाएगा। फिर आप लोगों ने यहाँ पे आना है और ब्लेंड मोड वाले ऑप्शन में आना और इसका ब्लेंड मोड यहाँ से स्क्रीन कर देना है। फिर सेकंड लेयर में आना है, FX में आना है और ड्रॉप एंड शेडो में आना है, जो इसकी सेटिंग है वही रहने देनी और टेक पे क्लिक कर देना है। अब आप लोगों ने आना है और इसका ब्लेंड मोड यहाँ से मल्टीप्लाई कर देना है। फिर थर्ड लेयर में आ जाना है, FX में आना है और बेवल में आ जाना है। यहाँ पे 45 ब्लर 45 डिस्टेंस, पहला एंगल 135। फिर आप लोगों ने आ जाना है यहाँ पर बेवल में और फिर आप लोगों ने बेवल में आ जाना है, फिर आप लोगों ने बेवल में आ जाना है और 5 या 6 दफ़ा बेवल आप लोगों ने लगा लेना है। अब आप लोगों ने करना क्या, इसका ब्लेंड मोड यहाँ से लाइटन कर देना है। फिर आप लोगों ने फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट करना है, FX में आना है और ग्लो में आ जाना है, 0.6 ब्लर कलर वाइट रखना है। फिर आप लोगों ने इसमें ग्लो लगा लेनी है। इतना होने के बाद अब आप लोगों ने करना क्या है, अब यहाँ पर 3 स्टेप्स हैं जो मेन है। एक मतलब फ्लावर ऐड करना है, बैर मतलब सिल्वर लाइन बनानी है और गोल्डन बनाना है। सबसे पहले हम गोल्डन बना लेते हैं। आप लोगों ने मैजिकमेंट टूल सेलेक्ट करना है, सेकंड लेयर को सिलेक्ट रखना है और इसको सिलेक्ट कर लेना है, लेकिन मोड प्लस यहाँ पे करना है, तो इसको सिलेक्ट आप लोगों ने कर लेना है। पहले आप मतलब 3 स्टेप्स आप लोगों ने कवर करने हैं, तीनों स्टेप बाई स्टेप आप लोगों को समझाऊंगा, आप लोगों ने वीडियो ध्यान से देखनी है, ठीक है यहाँ पे। तो अब आप लोगों ने करना है, इसको भी सिलेक्ट कर लेना है, इसको भी सिलेक्ट कर लेना है और इसको भी सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर इसको भी सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर इसको भी सिलेक्ट करना है और इसको भी सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। मतलब ये है कि आप लोगों ने पहले गोल्डन बनाना है, आप चाहे जो भी बनाएं लेकिन मैं पहले गोल्डन बना रहा हूँ, क्योंकि स्टेप्स कवर करने। अब आप लोगों ने करना है कि आप लोगों ने आना है लेयर फ्रॉम सिलेक्शन में और यहाँ पर पिक्सल डी सिलेक्ट कर देना है। अब आप लोगों ने FX में आना है और बेवल में आना है और यहाँ पर आप लोगों ने 25 पे ब्लर कर लेना है और 25 ही डिस्टेंस कर लेनी है। कलर आप लोगों ने वाइट करना है, पहला एंगल 180 करना है और फिर आप लोगों ने बेवल में आना है, बाकी वही सेटिंग रहना, यानी एंगल चेंज करते जाना है, 45 पे करना है। फिर आप लोगों ने यहाँ पे आना है, 135 पे कर लेना है, फिर 2 लाइंस पे आना है और कर्व्स में आना है, कर्व्स की यही सेम सेटिंग अप्लाई कर देनी है, इसको ऊपर कर देना है, FX में आना है, 42 में आना है और सनी आफ्टर नून ले लेना है। ये गोल्डन हमारी बन गई। अब आप लोगों ने करना क्या है, फिर सेकंड लेयर को सिलेक्ट करना है, मैजिक वैंड टूल सिलेक्ट कर लेना है। फ्लावर में आप लोगों को एंड पे ऐड करके दिखा दूंगा आप लोगों ने फ्लावर कैसे ऐड करने हैं, क्योंकि कुछ फ्रेंड गलती कर जाते हैं फ्लावर ऐड करने में। अब मैं यहाँ पर गोल्डन लाइन आप लोगों को सिल्वर लाइन सिल्वर लाइन बनाकर दिखा देता हूँ। पेंसिल में आना है, ट्रांसफार्मर एक्सपैंड को यहाँ पर फुल आप लोगों ने कर देना है। इतना होने के बाद फर्स्ट लेयर में आना है, एम्प्टी लेयर ले लेनी है। फिर एंड वाले ऑप्शन में आना है, फिल एंड स्ट्रोक में आना है, टाइप पे क्लिक करके स्ट्रोक रखनी और आप लोगों ने 6 पॉइंट तक स्ट्रोक रखनी है।
पिक्सल डी सिलेक्ट कर देना है। अब आप लोगों ने एफ एक्स में आना है, बेसिक में आना है और बेवल में आ जाना है। अब आप लोगों ने करना क्या, 15 पे ब्लर कर लेना है, 15 ही डिस्टेंस कर लेनी है। एंगल पहला 180, कलर वाइट ही रहने देना है। दूसरा एंगल आप लोगों ने 45 पे कर लेना है। फिर आप लोगों ने एफ एक्स में आना है, बेवल में आना है और इस दफ़ा आप लोगों ने 135 पे कर देना है। टू लाइन्स पे आना है और यहाँ पे कर्व्स में आना, कर्व्स की यही सेम सेटिंग अप्लाई कर देनी है। अच्छा, इतना होने के बाद आप लोगों ने टू लाइन्स पे आना है और कर्व्स में आ जाना है, कर्व्स की यही सेम सेटिंग अप्लाई करनी है। अब आप लोगों ने इसको सबसे ऊपर कर देना है, एफ एक्स में आना है और शेडो में आ जाना है। इस पर एक दफ़ा शेडो लगानी है और फिर आप लोगों ने इस पर एक दफ़ा शेडो लगानी ताकि ये लाइन वाजह नजर आए। अच्छा, इतना होने के बाद अब आप लोगों ने करना है, फर्स्ट लेयर पे ही रहना है, प्लस पे आना है, फोटो लेयर में आना है, फोटो लिब्रेटी में आना है। यहाँ पर मैं एक फ्लावर ऐड करूँगा जो रोज ही नेम में मैंने ऐड किया था, वही मैं सेम टू सेम यहाँ पर ऐड करूँगा। ये आप लोगों ने फ्लावर कहाँ से डाउनलोड करना, लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप लोग इजी तरीके के साथ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वहाँ से भी किसी से डाउनलोड ना हो तो आप लोग व्हाट्सएप पर एक मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को ये वाला फ्लावर दे दूँगा। अब आप लोगों ने करना क्या, इसका तरीका मेथड क्या कि आप इसको अच्छे तरीके से कैसे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर लाकर कुछ फ्रेंड को पता ही नहीं चलता कि कैसे ऐड करना है। अच्छा, यहाँ पर ये आ गया, अब टेक पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो कुछ फ्रेंड यहाँ पर कहते हैं कि भाई ये बैर अभी तक आ रहा है, यहाँ से भी ये बैर आ रहा है, लेकिन इसको कैसे लगाना है। आप वीडियो सारी देख कर जाएंगे तो इंशाल्लाह आप अच्छे तरीके के साथ लगा लेंगे। इसके लगाने का तरीका कार ये कि आप लोगों ने इसको लगा के टेक पे क्लिक कर देना है। आप लोगों ने फिर सेकंड लेयर में आना है, ये मैजिक वैंड टूल ये देखें, ठीक है, ये सिलेक्ट करना, ये जो सूरज टाइप का ब्रश बने हुए हैं। अब आप लोगों ने इस जेड को सिलेक्ट कर लेना है, जेड को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ तक होने के बाद आप लोगों ने करना है सबसे ऊपर आ जाना है, जेड को सिलेक्ट करना है, सेकंड लेयर को सिलेक्ट करके फिर ऊपर आना है और यहाँ पर पेंसिल में आना, और यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा एक्सट्रैक्ट का, इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये देखें इसमें बिल्कुल फिट आ गया है। अब आप लोगों ने फिर करना है क्या, सिंपली यहाँ पर आप लोगों ने फ्लावर ऐड करना है, फ्लावर ऐड करने के बाद आप लोगों ने इस पर क्लिक कर लेनी है और यहाँ पर आप लोगों ने इसको थोड़ा सा संभाल कर लेना है, इसको यहाँ पर ऐड करके अच्छे तरीके से एडजस्टमेंट कर लीजिएगा। फिर सेकंड लेयर को सिलेक्ट करना है, ये मैजिक वैंड टूल सिलेक्ट करना है और ए को सिलेक्ट कर लेना है, फिर ऊपर आना है, ठीक है, यहाँ पर ऊपर आना है जो मतलब आपने PNG ऐड किया, फिर पेंसिल में आना है और यहाँ पर इसको एक्सट्रैक्ट कर देना है। तो इस तरह से सारे वर्ड में आप भाई फ्लावर ऐड कर सकते हैं और इसको आप लोगों ने करना है मर्ज डाउन कर लेना है, एक इसकी लेयर बना लेनी, तो ये देखें, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ग्लास फ्रंट बिल्कुल रेडी है, बाकी लाइट वगैरह आप लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर लगा देता हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों ने आना लाइट में, लाइट आप लोगों ने लाइट आप लोगों ने भाई वाइट यूज़ करनी है यहाँ पर, और ये देखें इसके बैकग्राउंड में ब्लैक है, तो आप लोगों ने सिंपली इसका ब्लैंड मोड स्क्रीन करना है, एंड वाले ऑप्शन में आना है, ट्रांसफार्म से पकड़ के किसी भी जगह पर आप लगाना चाहें तो आप अच्छे तरीके से मेरा भाई लगा सकते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे इसको लगा लीजिएगा। अब यहाँ पर आप लोगों का ग्लास फ्रंट रेडी, आप लोगों ने इस डन पे क्लिक करके इसको सेव कर देना है, शेयर पे क्लिक करके सेव टू गैलरी मैंने PNG में रखकर इसको सेव कर देना। फ्रेंड आज की मेरी बात यही थी, वीडियो अगर वीडियो पसंद है लाइक मेटन शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।